गुड मॉर्निंग, गांव में हूँ अभी, दनिहा, कटिहार डिस्ट्रिक्ट, बिहार में. सुबह के 8:30 बजे गांव में हूँ. 24th of December. बहुत ठंड है यार, विजिबिलिटी नहीं के बराबर, लेकिन नज़ारा देखो. ये तालाब के किनारे हैं, गांव में रहने का यही फ़ायदा है यार. देखो कितने सारे पक्षी परिंदे, इनके चहचहाने की आवाज़ है, वाकई मज़ा आ जाता है. चलिए और आगे दिखाते हैं आगे का नज़ारा. देख रहे हो इन चिड़ियों को कितने मस्ती में झूम रहे हैं ना. ऐसा नज़ारा सिर्फ गांव में ही देखने को मिलेगा. उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा ये सब. बस बस थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद यहाँ लोगों ने देखो क्या लगा रखा है. ये देखो, ये आलू है, उसके आगे लहसुन, प्याज, आलू, फिर सरसों, यहाँ धनिया लगा हुआ है. ऐसे करके छोटे छोटे खेत जो होते हैं उसमें सब्जियाँ लगाते हैं लोग, और जो बड़े खेत होते हैं जैसे ये देख लो इस साइड जो बड़े खेत है, इसमें या तो गेहूं लगा हुआ है कई जगह, या मक्का लगा हुआ है, या बहुत पोर्शन में आलू भी लगाया जाता है. तो फिलहाल जैसे ये सारा जो खेत दिख रहा है इसमें अभी गेहूं लगा हुआ है, और आगे ये देखो आगे इसमें आलू लगा हुआ है. ये जो आगे देख रहे हैं आप, ये धान का जो पुआल होता है, धान निकालने के बाद जो पौधा बच जाता है वो है, उसका इस्तेमाल किया जाता है जो फूस के घर होते हैं उसके छत बनाने में, या फिर उसका जलावन भी तैयार किया जाता है. ये भी जो खेत है, ये जो देख रहे हैं, यहाँ शायद गेहूं लगाया गया है, पता तो नहीं चल रहा है ये क्या है, लेकिन उम्मीद है कि गेहूं लगाया गया है. ये जो देख रहे हैं आप, ये इसको बांस से घेरा गया है ताकि कोई जानवर अंदर ना जाए. बहुत ज़्यादा कुहासा है यार, विजिबिलिटी बिल्कुल बहुत कम है. हमारे गांव में एंटर करते वक्त ना, ये देखो आगे कुछ उतना साफ दिख नहीं रहा है, लेकिन ये सारा ये जो आगे आप देख रहे हो ना, ये बांस है. तो एक बांस का बहुत बड़ा झुंड है, उसको पार करने के बाद फिर आप की एंट्री गांव में होगी. तो इस तरह का कुछ है. ओहो देखो कैसा एंट्रेंस बना रखा है ना बांस के वजह से. ये देखो दोनों तरफ बांस का पौधा है और बीच से सड़क है. ऑसम. चलो दोस्तों, बहुत ठंड है, अब मैं घर पहुंचने वाला हूं. घर पहुंचने के बाद थोड़ा सा आग तापते हैं, इस ठंडी में बहुत ज़रूरी है यार आग तापना. और उम्मीद है आपको ये सारा नेचर नज़ारा, गांव में एंट्री करने के लिए जो बांस का बांस की झाड़ियां, और बहुत सारा कुछ जो भी इस वीडियो में मैंने दिखाने की कोशिश की, अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा, मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं आपको,
ये सारा नेचर अच्छा लगता है, ये सारा गांव का नज़ारा अच्छा लगता है। तो लाइक करो यार वीडियोस को, मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक करने से, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, ताकि ऐसे ऐसे वीडियोस जितने भी मेरी आते रहे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख पाओ। चलो वक्त आ गया है आपसे विदा होने का, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में बहुत जल्द। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। My life is lovely now.